कुमार ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा निकाली गई झांकियों का अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका अहम रही है। उन्होंने कहा कि बिहार ने देश में लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लगभग 96,000 किसानों को सिंचाई के लिए डीजल अनुदान दिया गया है। इस वर्ष जुलाई एवं अगस्त माह के शुरुआती दिनों में कम वर्षा होने के कारण किसानों को धान की खेती में कठिनाई हो रही थी। इसको देखते हुए राज्य सरकार द्वारा किसानों को राहत पहुंचाने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत पिछड़ा एवं फसलों की सिंचाई हेतु 75 रुपए प्रति लीटर डीजल अनुदान दिया जा रहा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में तिरंगा फहराया। इस अवसर पर राजभवन के अधिकारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। विधानसभा परिसर में सभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। विधान परिषद परिसर में सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने झंडोत्तोलन किया और झंडे को सलामी दी। पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ने झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में न्यायाधीश और वकील समेत अन्य लोग मौजूद थे। भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। जदयू कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ता सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने तिरंगा फहराया और झंडे को सलामी दी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।